हाय दोस्तों दोस्तों तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच कुछ खास दिखाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, तभी देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं कई दिनों से ऐसा करने मतलब सप्राई कर रहा था आप लोगों के बीच वह चीज़ लाने के लिए। दोस्तों मैं गड्ढा खोदने वाला जो मशीन होता है, गड्ढा मारने के लिए, अपनी फसल को घेराव करने के लिए लोग मशीन से खुदाई करते हैं। वो जैसे कि उसमें खंभा जो डालते हैं, मतलब खुदाई करते हैं फसल के मेड़ के साइड में घेराव करने के लिए। आज वो चीज़ दोस्तों मैं क्या तरीका उसको बनवाया हूँ और मैं किस तरीके से बनवाया हूँ कि बिना डीजल पानी के खर्च के ही और बहुत जल्दी ही गड्ढा का खुदाई हो जाता है। एक गड्ढे में मात्र हम जानते हैं कि एक मिनट में तो एक गड़ाई हो ही जा रहा है, एक मिनट नहीं लग रहा है, ये तो फाइनल हो जा रहा है। उसको गड्ढा खन करके फिर उसमें गाड़ दे रहे हैं। हम आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे, तभी देख पाएंगे दोस्तों। आप तो दोस्तों देखिए देखिए, हम तो मतलब इसी में लगे हुए हैं और इनका काम है दोस्तों। देखिए अभी तो हम अपने मतलब घर पर हैं, अभी देखिए और इनको बुला रहे हैं तो नहीं सुन रही थी। देखिए ये मटर जो भून करके खा रही है इनका यही काम है, मटर बच्चों की तरह से मटर भून करके खा रही है। आप देखो हमको अच्छा लगता है। इनको अच्छा लगता है। बोलो जय श्री हेलो कृष्ण राधे दोस्तों, जय राधे। श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब ये पता नहीं क्या बोले हैं कि हमको सुने नहीं है, लेकिन हम तो अपना मटर भूनने में लगे हुए थे। अब बहुत ठंडी है, आग जलाए थे तो इतना मटर भून लिए हैं, और बाबू के लिए उसमें आलू भून रहे हैं। बाबू तब तक स्कूल से आ जाएगा, खेत घेरा जाता। हाँ यार, तो हम सोच रहे हैं तो दोस्तों, दोस्तों देखिए अभी खेत हमने घर जा रहे इसमें हैं इधर तो घूमने। गड्ढा मार दिए हैं। अभी वीडियो में मतलब दिखाने के लिए मैंने वो क्या चीज़ रखा है कि मशीन मतलब वो गड्ढा मारने के लिए, वही चार पांच खम्भा हमने रखा हुआ है, नहीं गाड़ा हुआ है, इसीलिए कि मैं आप लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग जो भी भाई खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही कटघरी का है और बहुत कम खर्च का है। ज़्यादा खर्च नहीं है उसमें, 200-400 का खर्च है। वो बहुत आसान तरीका से हमने तो उसे बहुत गड्ढा मारा हूँ, लगभग लगभग कुछ भी नहीं तो 200-250 गड्ढा मारा हूँ, इससे कम नहीं दोस्तों। दोस्तों हम हमको इसलिए कच्चा मैं ये जो मटर है इसको भून के खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम आग ही जलाते हैं तो थोड़ा भोजन लेते हैं, और आप लोगों के तो बीच ये में मजाक उड़ाते हैं। दिखा रहा हूँ। अब दीप अपनी फसल भी दिखाएंगे दोस्तों। हम तो हैं इसी जगह पीछे, हम अपने अभी घर पर ही हैं। देखिए ये हम घर पर ही हैं और घर के पीछे एकदम खड़े हैं। ये हमारा फसल है और खंभा और गाड़ दिए हैं। चलिए ले चलते हैं खेतों में, उसमें क्या क्या लगाए हैं और किस तरह से हो रहा है सब हम आपको दिखाएंगे आज दोस्तों। चलिए हम चलते हैं, ले चलते हैं अपनी खेतों में। और ये रहा दोस्तों मेरा खेत, मैं उतर रहा हूँ सीढ़ी पर से। देखिए ये प्याज का बीज गिराए हुए हैं, इधर पालक लगाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगाए हैं क्योंकि ये इसी पर प्याज इसी में लगाएंगे, इसीलिए जो है कि हम ये अभी खाली हो जाएगा, 15-20 जनवरी में हमारा प्याज भी तैयार हो जाएगा बीज उसका, और उसको हम बुआई कर देंगे प्याज का। उसमें ये पालक हट जाए, ख़त्म हो जाएगा, और इसमें भी लगाते हैं। गली है घर के बगल में, और उधर पीछे उस साइड तो सड़क है, सामने दिख रहा है वो घूरा लगा हुआ है। अभी मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको अपना वो दिखाने के लिए। और ये देखिए मेरा लौकी है और इसी में पत्ता गोभी है दोस्तों। देखिए पत्ती पत्ता गोभी मेरा तैयार हो गया है लगभग लगभग, और ये हमारा लौकी है दोस्तों। ये देखिए बतिया लगा हुआ है, ऐसा ऐसा बतिया दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। हाँ अरे खिया दन तन हम चीखी देखी तो कैसा दोस्तों, ये कैसा भून के जो
जो खा लिए एक बार 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 कोई खाए करते हाँ तो दोस्तों जब भुना हुआ है तो सुन तो लगभग करेगा तो सही ठीक लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस हमारा अभी ये पत्ता गोभी तैयार हो रहा है, पत्ता गोभी निकल जाएगा इसमें से तो हमारा लौकी फर जनवरी के लास्ट में 10-15 दिन में जैसे गर्मी मिलेगा। अभी तो ठंड बहुत काफ़ी है दोस्तों, ठंड के तो अभी मैं अब दोस्तों ये रहा देखिए दोस्तों, ये तो मतलब थुनी ही हमारा पतला है, ये मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सा बचाव के लिए कर रहा हूँ, मोटा मोटा भी है देखिए, यही टराई कर रही है। हाँ तू खान पाइबू देखिए निकाल रही है, इससे मिट्टी भी निकल जा रहा है। दोस्तों यही दिखा रहे हैं हम, पूरा मेड़वा खंदे से दिखाने वो था चल को दी चल ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये गड्ढा खोदने का दिखा रहा हूँ तरीका, और मैं यही बनवाया हूँ दोस्तों, देखिए ये कई इंची में है ये भी सब बताऊंगा दोस्तों, और ये पाइप का हमने वेल्डिंग करवा चुका हूँ। तो दोस्तों इसी से मैं सारा गड्ढा खन चुका हूँ, 250 गड्ढा मैंने इसी से खुदाई किया हूँ, और इधर से जो है कि मैं इसको पाइप है ये मुन दिया हूँ, मतलब ढक्कन बना करके और वेल्डिंग मरवा कर ग्राइंडर मार दिया, इसी से घुराई कर देते हैं। अभी आप वीडियो में बने रहें फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाओ इधर दिखाओ गड्ढे में। अभी देखिए दोस्तों देखिए एक मिनट में मेरा गड्ढा खन कर के तैयार हो जाएगा, अभी मैं खनने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए खन रहे हैं, पहले ना खनती से खनाई होता था तो एक दिन खनने में लगता था, एक दिन इसको गाड़ने में लगता था, अब एक ही दिन में खना के गड़ा जाता है, दो ही घंटा में खना गड़ा। मट्टी देखिए इसी से निकल जाएगा, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, देखिए उसमें मिट्टी फंस के आ जाता है, हाथ नहीं लगाना पड़ता है तो इसे निकल जाएगा। तैयार हो गए, एक गड्ढा तैयार हो गया दोस्तों, देखिए मिट्टी भी निकाल दी है, मिट्टी भी देखिए दोस्तों निकल चुका है, गड्ढा भी इतना तरे गहराई में खना गया है। अब देखिए नीचे ना देखो, देखो देखिए दोस्तों अब ये हुरा गया है, कसा गया, इसी तरह पूरा गड्ढा खना गया है, गड़ा गया है पूरा, देखिए दोस्तों मैंने तैयार कर दिया है, गाड़ दिया, देखिए पूरा खंबा दिखाई दे रहा है खेत में। अब देखिए दोस्तों मैं दूसरा गड़ाई करने जा रहा हूँ, चार खंबा मैंने रोका था वीडियो में लाने के लिए, और इससे क्या है दोस्तों न देखिए मेरे हाथ में मट्टी भी नहीं लगी है, ये पाइप का मूर्छा है, दो दिन से इसी में हाथ में पड़ा हुआ है खेत में, देखिए मैं हाथ से नहीं निकाला हूँ और इसी से माटी निकल जाता है, इसमें माटी यहाँ तक आ जाता है, माटी निकाल लेता है। गड्ढा खुनाई में ये बहुत अच्छा बहुत आसान है दोस्तों। अभी मैं फिर दिखा रहा हूँ दोस्त, ये तो दोनों पतला है और वो दोनों मोटा मोटा है, साइड में कोने पर है, अभी उसको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मैं इतना आसान है दोस्तों, इतना आसान है इससे गड़ाही खनने में, पहले जो है दोस्तों यही गड्ढा खनने के लिए दिन भर 2 दिन लग जाता था, और खनती से खनते थे, हाथ से माटी निकालते थे,
कम से मेरा कमर टेढ़ा हो जाता था खाने के लिए। अब देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। सोचते थे बहुत परेशान हो जाते थे कि बाप रे गढ़ा खाने के बाद, अब तो एकदम आधा घंटा में देखिए पूरा गढ़ा खन के एकदम रेडी कर दिए हैं। अब बहुत आसान है इसे मशीन से। ये नहीं है कि दोस्तों इसे ईंटा पत्थर सब कट जा रहा है, उसके अंदर जो ईंटा पत्थर छोटा छोटा है कंकड़ वो भी इससे कट जा रहा है। और इससे दोस्तों ये है मट्टी भी निकाल दे रहा है। कैसा हूँ जमीन टाइट हो इनके लिए ये आसान है दोस्तों। जैसे मान लीजिए बैठ नहीं पाते हैं, पैर मुड़ता नहीं है, इनके लिए तो ये बहुत आसान है। सबसे ज्यादा दिक्कत इनको बैठने में होता है, तो अपना तकनीकी सोच सोच के बनवाते हैं कि जैसे हमको सुविधा पड़े इनको। अरे ज्यादा मत गढ़ा कर दे, हो गया है उतना, बहुत ज्यादा गढ़ा हो गया है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गड्ढा खोदा गया, देख देख अब देख सकते हैं। अब इसको हुराई करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितना मोटा है, इससे जितना चौड़ा चाहे उतना चौड़ा हो जाएगा। तो मैंने बहुत हिसाब से गड्ढा खोदा है। देख आप देख सकते हैं दोस्तों, हरा भैया फोटो ले लिया। तो दोस्तों देखिए हमने पूरा इतना ये सब खुदाई कर दिया है, वहीं से चालू किया हूँ। और देखिए उस घर तक जो बोरिन है वहाँ तक, और ये साइड से गन्ने के बगल से सब हमने गड्ढा मार दिया है। और मतलब पहले का और मारा था, लेकिन केवल मैं आपको दिखाया नहीं था, और ये चार ठो छोड़ा था, फिर मैं मार करके दिखा दिया है आपको। और ऐसा आप लोग भी बनवाइए, जो भी भाई फसल करते हैं ऐसी इसे गढ़ाई मारिए, और बहुत ही आसान सुविधा है। और देख सकते हैं आप मेरा ये टेक्निकल विधि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और इसी से जो है गड्ढे का खुदाई करिए और अपनी फसल का बचाव करिए। और फिर जो भी नया रहेगा हम दोस्तों नए तरीके से लाते रहते हैं। और आप लोग ऐसा करिए, 10 इंची का मेरा चद्दर है, 1 फुट का ये चौड़ाई लंबाई है, ये 1 फुट का लंबाई है और 10 इंच का ये चौड़ाई है, 10 का है, 8-10 इंच इतना में रहेगा तो हो जाएगा, 8-9 का रहेगा तभी हो जाएगा, और 1 फुट का लंबाई होना चाहिए। और ये पाइप ले लीजिए अपने बराबर का, मतलब कुल लेकर के दोस्तों देखिए मेरे इतना तक हुआ है, इतना ही लंबाई लेंगे तो चूँकि हुरने में जो है निहुरना नहीं पड़ रहा है, हमको थोड़ा सा झुकने में कोई झुक नहीं रहे हैं, लेकिन हो जा रहा है। तो दोस्तों यहीं वीडियो को समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ और समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता हूँ आप लोगों को। यहीं दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए तकनीकी के साथ। तो दोस्तों मैं यहीं, जय हिंद जय भारत।